हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर किड्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.9। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन बाय अ टू डिजिट नंबर। और इस वीडियो में हम स्टोरी सम करेंगे, सेंटेंस को समझेंगे और फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अ पेंसिल बॉक्स हैज़ 8 पेंसिल्स। एक पेंसिल बॉक्स है, उसमें कितनी पेंसिल है, 8 पेंसिल्स हैं। हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन 135 सच पेंसिल्स बॉक्सेस। यानी कि आपको बताना है कि 135 बॉक्सेस में कितनी पेंसिल हैं। 135 पेंसिल बॉक्सेस हैं, तो उनमें कितनी पेंसिल्स होंगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो पहले, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ पेंसिल्स इन वन बॉक्स। तो हमने क्या, यहाँ पे कितना है, कितनी बॉक्स, कितने वन बॉक्स में कितनी पेंसिल है, 8। अब यहाँ पे हमें लिखना होगा नंबर ऑफ पेंसिल्स इन 135 बॉक्सेस। अब हमें बताना है कि कितने पेंसिल्स हैं 135 बॉक्सेस में। तो 135 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 5 जा कितना होता है, 40। 40 की 0, 8 3 जा 24, प्लस 4 कितना हो गया, 28। 8 यहाँ पे, 8 1 जा 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10। तो 1080 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। और हम इस तरह से भी अरेंज करते हैं, यहाँ पे देखिए 135 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हमेशा हमें बड़े नंबर को ऊपर लिखना है और छोटे नंबर से कर लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो 8 5 जब 40, 4 0 हमने नीचे रख ली और 4 को हमने ऊपर यहाँ पे कैरी कर दिया। तो 8 3 जा 24 प्लस 4 28। 8 यहाँ पे 2 हमने ऊपर रख लिया, कैरी कर लिया। 8 1 जा 8 प्लस 2 10। तो इस तरह से हमारा 135 बॉक्सेस हैव 1080 सच पेंसिल्स। यानी कि जो 135 बॉक्सेस हैं उनमें कितनी पेंसिल होनी चाहिए, 1080 पेंसिल। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप बॉक्स ला रहे हैं पेंसिल्स का, हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, तो जब हम बॉक्स लाएंगे तो हमें देखना है कि वन बॉक्स में कितनी पेंसिल है और हम कितनी पेंसिल हम ला रहे हैं या कितनी बॉक्सेस हम ला रहे हैं और कितनी पेंसिल हमको मिलनी चाहिए उन बॉक्सेस में। अब यहाँ पे देखिए, ये है दूसरा क्वेश्चन। अ बैग ऑफ शुगर वेट 25 केजी। एक बैग है जिसका वेट है 25, यानी कि शुगर का एक बैग है, उसमें कितने 25 केजी हैं। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ 155 बैग्स ऑफ शुगर। यानी कि हमें 155 बैग्स लेने हैं और उसमें शुगर कितना होना चाहिए, कितना टोटल वेट होना चाहिए वो हम पता करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, वेट ऑफ वन बैग ऑफ शुगर, यानी कि एक बैग में कितना शुगर है, 25 केजी। वेट ऑफ 155 बैग ऑफ शुगर। अब हमें क्या ले, हमें तो 155 बैग्स लेने हैं ऑफ शुगर के, और वन बैग में कितना है, 25। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 155 मल्टीप्लाई बाय 25। यदि हम इस तरह से भी समझते हैं कि अगर हमारे बैग वन वेट ऑफ वन बैग ऑफ शुगर कितना हो, 1 केजी हो, और हमें कितने बैग चाहिए, 1। अब वेट
वेट ऑफ 155 kg हमें बैग चाहिए। कितने बैग चाहिए शुगर के? 155। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 155 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना होगा हमारा, इक्वल टू 155। यदि यहाँ पे हम, यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 kg लिख लेंगे, यहाँ पे 2 kg हमारे बैग्स का वेट होगा, तो हम क्या करेंगे, वन बैग के जो शुगर है उसका वेट कितना होगा, 2 kg हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 155 बैग्स जो है उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 5 10 प्लस 1 11 2 1 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, तो ये हमारा 155 बैग्स में कितना केजी शुगर आएगा, 310 केजी शुगर, यानी वेट होगा उनका कितना, 310 केजी। अब हम देखिए यहाँ पे करेंगे, इसमें क्या है 25 kg दे रखा है, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 155 मल्टीप्लाई बाय 25 kg, तो हमारा आंसर कितना आया, 3875 kg। और हम इस तरह से भी इसको करेंगे, तो 5 5 जा 25 प्लस, यहाँ पे 5 हमने यहाँ पे रख दिया, 2 ऊपर, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, 7 यहाँ पर, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 2 5 जा 10 2 5 जा 10 प्लस 1 11 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3 5 7 प्लस 0 कितना हो गया 7, 7 प्लस 1 8 3, तो ये हमारा क्या हुआ, द टोटल वेट ऑफ 155 बैग्स इज 3875 kg। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.9। आ स्टेडियम, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, ए अ स्टेडियम हैज़ 275 सीट्स इन वन रो, हाउ मैनी पीपल कैन बी सीटेड इन 28 सच लेन। एक स्टेडियम में, एक रो में 275 सीट्स हैं, अब आपको बतानी है कि 28 लेन है, उसमें कितने पीपल बैठेंगे। तो हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये है सीट्स इन वन रो कितनी, 275 पीपल कैन बी सीटेड इन 28 पीपल कैन बी सीटेड इन 28 लेंस, तो 275 मल्टीप्लाई बाय 28 इक्वल टू कितना हो गया, 7700। अब यहाँ पे इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, 8 5 40 40 0 4 ऊपर, 8 7 56 4 60 0 यहाँ पे 6 लिए, 8 2 16 प्लस 6 22 2 5 10 2 7 14 प्लस 1 15 2 2 4 प्लस 1 5, अब इनको प्लस कर लेंगे, 0 0 2 5 कितना होता है 7 2 5 7, तो इस तरह से हमारा ये दोनों ही आंसर एक जैसे सेम इस तरह से ही। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन को समझेंगे, महेश इस कॉलोनी, महेश कॉलोनी इन दिल्ली हैज़ 45 लेंस,
मरीज की कॉलोनी है जो दिल्ली में है, उसमें कितनी लेन्स हैं? 45। देर आर 115 हाउसेस इन ईच रो, और एक रो में कितने हाउसेस हैं? 115, यानी कि प्रत्येक रो में कितने 115 हाउसेस हैं। हाउ मैनी हाउसेस आर देर इन हिज कॉलोनी, यानी कि आपको बताना है कि एक कॉलोनी, वो पूरी कॉलोनी में कितने हाउसेस हैं। यहाँ पे देखिए, ये है मैसिस कॉलोनी हैज़ लेंस 45 लेंस है। देर आर हाउसेस इन ईच रो, प्रत्येक रो में कितने हाउसेस हैं? 115। यहाँ पे देखिए, टोटल हाउसेस इन हिज कॉलोनी इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 115 इक्वल टू कितना हो गया? 5175। जो इनका मल्टीप्लीकेशन आया वो क्या आंसर आया? 5175। यहाँ पे देखिए, ये है, अब हम इस तरह से भी कर सकते हैं इसको, बड़े वाले नंबर को ऊपर रख के हम छोटे वाले नंबर को नीचे अरेंज करते हैं, तो 5 5 जा 25 5, यहाँ पर 2 ऊपर, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 1 जा 5 4 5 जा 20 20 0 2 ऊपर, 4 1 जा 4 प्लस 2 6 4 1 जा 4, अब इनको प्लस कर लेंगे, 5 7 5 प्लस 6 11 1 4 प्लस 1 5। तो हमारा ये वाला भी आंसर और ये वाला आंसर हमारा सेम आया। हम इस तरह से भी कर सकते हैं और हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिए, हम इसमें डी वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये है डी वाला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ वन नोटबुक इज 35, यानी द प्राइस ऑफ वन नोटबुक का जो वन एक नोटबुक का प्राइस कितना है? 35। व्हाट विल बी द टोटल प्राइस ऑफ 85 नोटबुक्स, आपको बताना है कि 85 नोटबुक्स का टोटल प्राइस कितना होगा? 85, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ प्राइस ऑफ 85 नोटबुक्स, यानी कि 85 नोटबुक्स का टोटल आपको बताना है। यहाँ में देखिए, हम इस तरह से द प्राइस ऑफ वन नोटबुक इज 35, द टोटल प्राइस ऑफ 85, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 35 मल्टीप्लाई 85 जो इक्वल टू हमारा कितना आया मल्टीप्लाई करके, 2975। और हम इस तरह से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 35 मल्टीप्लाई बाई 85, तो 5 5 जा 25, 5 2 पर 5 3 जा 15 प्लस 2 70, 8 5 जा 40, 4 पर 8 3 जा 24 प्लस 4 28, अब इनको हम प्लस करेंगे, 5 7 8 1 9 2, हमारा 85 नोटबुक्स का टोटल प्राइस कितना हुआ? 2975। तो इस तरह से हम सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे। इसमें एम का क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से हम कर लेंगे।